YouTube लाइव पर आपका स्वागत है। आज हम मोटिवेशनल सीरीज में बात कर रहे हैं लव गुरु की। आजकल स्कूल कॉलेजेस में प्रोफेशनल लाइफ में सबके लिए लव गुरु की डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गई है। ये लव गुरु कौन होते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट लाइफ में वे स्टूडेंट्स जो लड़कियों के चक्कर में पढ़कर हर साल एक ही क्लास में फेल होकर खुद लड़की पटाने के तरीके फिल्मों से सीखते हैं, आजमाते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ अपने साथी स्टूडेंट्स को लड़की बचाने के 108 तरीके टाइप की ट्रेनिंग देते रहते हैं। कुछ इंट्रोवर्ट लोग जो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी तो हासिल कर लेते हैं पर लड़कियों को इम्प्रेस करने में फेल हो जाते हैं, वे भी ऐसे लव गुरु से टिप्स लेकर लड़कियों को इम्प्रेस करने के तरीके आजमाते रहते हैं। टीनेजर्स के पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने मासूम बच्चों को ऐसे नॉनसेंस लव गुरु टाइप के दोस्तों की दोस्ती से बचाएं, वरना जैसे वो अपना भविष्य चौपट कर चुके होते हैं, आपके बच्चों को भी उसी रास्ते पर वे ले जा सकते हैं। आप अचानक अपने टीनेजर बच्चे की आदतों में अगर बदलाव देखते हैं तो नोटिस करिए कि उसका रूटीन क्या है। अगर आपका बच्चा पहले पढ़ने में अच्छा था, अचानक उसका मन किसी बात में नहीं लगता, तो चेक करिए कि वह किसी ऐसे फिल्मी स्टाइल लव गुरु के टिप्स को फॉलो तो नहीं कर रहा। आप यानी पेरेंट्स, अगर आप दोनों ही वर्किंग हो तो भी आपको अपने बच्चों के साथ हर दिन 1-2 घंटा कम से कम बैठकर बात करना चाहिए। ये जानना चाहिए कि उसकी लाइफ में सब कुछ सही तो है। पढ़ाई में अच्छे दिखने वाले स्टूडेंट्स में एक लड़के के बारे में पता चला कि उसने एक लड़की को प्रपोज़ किया, लड़की ने रिजेक्ट किया तो उसने नस काटने की कोशिश की। कुछ लोग वास्तव में सुसाइड कर भी लेते हैं। दूसरी ओर एक टीनेजर लड़की ने अपने हाथ की नस काटने की कोशिश की क्योंकि वह किसी आवारा लड़के के प्यार में फंस गई थी। आप अपने बच्चों को हमेशा भावनात्मक सपोर्ट दीजिए, उनकी बातें सुनिए, उन्हें सही गलत के बारे में फ्रेंडली मैनर में समझाइए। वो डेफिनेटली अपनी गलतियों से सीख लेंगे और दोहराएंगे नहीं, पर हर बार ये बात संभव नहीं होती। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अगर ये अब लड़कियां नहीं छेड़ेगा, फ्लर्ट नहीं करेगा तो कब करेगा। ये कहकर अपने बेटों को उन्होंने आवारागर्दी की पूरी छूट दी, पर अंजाम कुछ अलग ही निकला। थोड़े से बड़े होने पर वही लड़के अपनी पसंद की लड़की से शादी करके ले आए और माँ बाप को बताया भी नहीं, और फिर पेरेंट्स से अलग रहने लगे और कभी उन्होंने पूछा भी नहीं कि उनके पेरेंट्स बीमार हैं, परेशान हैं, या उन्हें पैसे की तंगी है या किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसे पेरेंट्स को अपनी दी हुई सीख का अंजाम खुद ही भुगतना पड़ा। कुछ रिच परिवारों के पेरेंट्स बेटों को ये सीख देते हैं कि बेटा कॉलेज टाइम में लड़कियों के साथ जो मर्जी करो, जैसी भी फ्लर्टिंग करो, पर शादी वहीं करना जहां हम कहेंगे। और ऐसे बेटे भी आगे करी बेटों की तरह लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करते हैं, लिव इन में रहते हैं, फिर उन्हें अपने परिवार वालों से पैसे और प्रॉपर्टी लेने होते हैं, इसलिए बाद में भी अपने पेरेंट्स के कहे अनुसार शादी भी कर लेते हैं। अब आप ही बताइए कि जिस तरह वे किसी लड़की से फ्लर्ट करते हैं, अगर उनमें से कोई आपकी बेटी के साथ ऐसा फ्लर्टिंग करके छोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा। ये समाज का कर्तव्य है कि समाज का माहौल सही रखने के लिए न सिर्फ बेटियों बल्कि बेटों को भी अच्छे संस्कार दिए जाएं। एक कपल का एक लौता बेटा था, बाकी 4 बेटियां थीं। बेटियों की उन्होंने कभी परवाह नहीं की और बेटे को हर गलत बात में सपोर्ट किया। हालत ये हुई कि लड़का बुरी संगत में पढ़कर चोरी, ठगी, लड़कियों के साथ अवैध संबंध, नशाखोरी सब चीज़ें सीख गया, और बाद में जब किसी जगह नौकरी नहीं मिली, व्यवसाय सेट नहीं हुआ, तो उन्हीं माँ बाप को मारना पीटना शुरू कर दिया और अंततः पेरेंट्स को स्लो पॉइजन देकर मार डाला। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने बेटों को गलत सीख देकर आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं तो ये कोरी कल्पना है, हकीकत नहीं। आप जो बोएंगे आने वाले समय में आपको उसका फल उसी प्रकार का अच्छा या बुरा मिलेगा। कुछ लड़कों को टीनेज में उनके दोस्त ये आदत डाल देते हैं कि अमुक लड़की का यहाँ पर घर है, वहाँ पर इस समय वह लड़की स्कूल कॉलेज जाती है, इस समय आते हैं, इस समय ट्यूशन जाती हैं, इस समय सहेली से मिलने जाती हैं, और कुछ लड़के अकेले ये ग्रुप में उस लड़की के घर के बाहर मंडराना शुरू कर देते हैं। कई माँ बाप नोटिस ही नहीं करते कि उनके बच्चे कहाँ जाकर समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ ये कहकर टाल देते हैं कि लड़कों की तो खेलने खाने की उम्र है, इस उम्र में लड़कियाँ नहीं छेड़ेंगे तो कब करेंगे।
ये आदत स्टूडेंट लाइफ से शुरू होती है और कई मैरिड व्यक्तियों और कई बूढ़ों में भी ये आदत पाई जाती है। स्टूडेंट लाइफ में उनके दोस्त ये आदत डालकर उनको गलत रास्ते ले चलते हैं। मैरिड पुरुषों में ये आदत बनी रहती है अगर वे अपनी पत्नी की सुंदरता योग्यता से संतुष्ट नहीं होते। कुछ बूढ़े लोग अपनी बड़ी उम्र तक का भी लिहाज नहीं करते और लड़कियों को छेड़ने से बाज नहीं आते। इस सब को लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके परिवार में स्टूडेंट, मैरिड पर्सन या ओल्ड एज पर्सन किसी में भी ये लक्षण दिखाई दें तो उसे मनोरोग चिकित्सक के पास ले जाने की ज़रूरत है। हो सकता है धीरे धीरे ये बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बदल जाए और आप किसी लड़की के लिए इतना पसेसिव फील करने लगें कि आप 24 घंटों उसे ही ढूंढते रहें और उसके रिजेक्शन पर आप इतने बौखला जाएं कि किसी भी क्राइम या वायलेंस, यहाँ तक कि मर्डर करने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसी ही घटनाएं रेप या दुष्कर्म या अन्य अपराधों को भी अंजाम देती हैं। अतः अगर आप सारा जीवन एक क्रिमिनल के तौर पर नहीं बिताना चाहते तो अपने मासूम बच्चों को लव गुरु के फालतू टिप्स से बचाकर उन्हें पढ़ाई में ध्यान देना सिखाइए। लड़कियों को रोज़ देने के बजाय पेरेंट्स के पैर छूकर आशीर्वाद लेना सिखाइए और लड़कियों के रिस्पेक्ट करना सिखाइए। कई लड़कियां भी आवारा लड़कों के द्वारा प्रपोज किए जाने पर अपने आप को बहुत लकी समझती हैं कि देखो उनको इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिल गया, कितना रिच है, कितने गिफ्ट्स देता है। पर ऐसे लोग प्राय लड़कियों के साथ टाइम पास करके मामूली से कारणों से ब्रेकअप कर लेते हैं। अतः लड़के लड़कियों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वे इतने मजबूत बने कि मैच्योर होने के बाद अपने लाइफ पार्टनर को चुनें और उसके साथ अच्छी ज़िंदगी जिए और दूसरे लड़के लड़कियों को देखकर उनके आसपास मंडराते न रहें अपने सो कॉल्ड लव गुरु के टिप्स के अकॉर्डिंग। तो अपनी लाइफ पर कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, अपना करियर अच्छे से सेट करें और अपनी फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ को अच्छा और बेहतर बनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। यूट्यूब लाइव पर मोटिवेशनल, एजुकेशनल, करियर गाइडेंस और करंट टॉपिक्स पर विशेष टिप्पणियाँ और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के लिए जानकारी के लिए यूट्यूब को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।